हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे जियो एकेडमी में। मैं आज आप सबको बताऊंगी संविदा शिक्षा ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस के बारे में, उसमें क्या क्या है और जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताऊंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस की। ओके, इसमें दो पार्ट्स होंगे, पहला पार्ट ए और सेकंड पार्ट बी। ए पार्ट जो होगा वो उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, ओके, और सेकंड पार्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट के होंगे। अपन देख लेते हैं पहले पार्ट का जो 50 क्वेश्चंस होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा ये देख लेते हैं। पहला है समान मानसिक योग्यता, 7 क्वेश्चंस होंगे, 7 नंबर का आएगा। समान मानसिक चेतना व अध्ययन जीए, ओके, इसमें ये 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 नंबर का होगा। ओके, यदि हम थर्ड नंबर की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, तो 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 नंबर का आएगा। हिंदी की बात करते हैं तो 15 नंबर की आएगी, और यदि हम लास्ट इंग्लिश की बात करते हैं तो 8 नंबर का आएगा। टोटल मिलाकर के हो जाता है 50। ओके, यदि हम सेकेंड पार्ट की बात करें, जो भी आपका सब्जेक्ट हो लाइक केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, ये इन सब से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उन सब से 100 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। ओके, तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं पार्ट ए की, जो जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। ओके, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा तो अब ये अपन ये देख लेते हैं। पहला है समान मानसिक योग्यता या कि फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें रीजनिंग प्लस मैथ्स आएगी। ओके, रीजनिंग में वही ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, जो भी आप रीजनिंग में पढ़ते आ रहे हैं वही करना है आपको। मैथ्स में भी 8 तक की लेवल की मैथ्स आएगी। ओके, यदि हम सेकंड की बात करें, समान चेतना व अध्ययन, इसे जीए बोलते हैं, इसमें ये 10 नंबर का आएगा। इसमें इंडिया प्लस एमपी के क्वेश्चंस होंगे, अभी जो भी घटनाएं घट रही हैं या कि जो भी योजनाएं लागू कर रहे, जैसे लाइक मोदी की जो भी योजनाएं हैं सारी आपको याद रखनी है। समान विज्ञान की बात करें तो जीके पढ़ना है रिलेटेड। ओके, भारतीय संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेलकूद, अभी जो भी वर्ल्ड कप हुए, अब कब होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का इतिहास, ओके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑल ओवर आपको पूरा एमपी ही पढ़ना है। इसके लिए मैं बुक बता दूंगी। ओके, मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं आप सारी बुक बताऊंगी किस बुक से पढ़ें और अच्छे नंबर लेके आए। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं थर्ड नंबर, शैक्षिक अभिरुचि। शैक्षिक अभिरुचि में जो अपन ने बीएड में पढ़ा था वही सारी चीज़ें पढ़नी है, लाइक शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, शिक्षा संबंधी समस्याएं, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा का कक्षागत व्यवहार एवं प्राधारित होंगे। ओके, ये 10 नंबर का आएगा। यदि हम फोर्थ नंबर हिंदी की बात करें तो हिंदी में वही सारी चीज़ें जो आप जो सिक्स से लेकर टेंथ तक जो भी पढ़ा है आपने वो आएंगी, लाइक स्वर, व्यंजन, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विराम, चिन्ह, काल, वचन, लिंग, तत्सम, तद्भव, शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, कारक, वाक्य विशेषण, ये सारी चीज़ें आएंगी, लाइक छंद, दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, रस में नवरसों का ज्ञान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से ला सकते हैं क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 50 नंबर आपके हाथ में है। ओके, मैं इसके लिए बुक बता दूंगी आपको पढ़ने के लिए, अच्छी से अच्छी बुक बताऊंगी जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। यदि हम पाँचवें नंबर की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो वो 8 नंबर की आएगी। यही है जो अपन ने सिक्स से लेकर टेंथ तक पढ़ा है वही सी सारी चीज़ें पढ़ना है, लाइक आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एक्टिव पैसिव वाइस, नरेशन, टेंस, ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, स्कोर भी कर सकते हैं। अपन इंग्लिश का जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें वोकैब्स में अपोजिट सरनम्स, होमोफोन्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेल चेक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, और मैं आपको अच्छे से अच्छी बुक बताऊँगी जिससे अच्छे से आप स्कोर कर सको। और यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।